के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। इसी बीच इसरो चीफ एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा कि हमारा अगला लक्ष्य सूर्य है। तो क्या ये इस बात की ओर इशारा था कि जल्द ही मिशन सूर्य के जरिए सूरज पर पहुंचने की तैयारी है? जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को उत्साह से भर दिया है। अब सितंबर माह में आदित्य L1 मिशन को श्रीहरिकोटा से सूरज की दिशा में लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए इस मिशन को विस्तार से जानने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सोलर मिशन है। इसका मकसद सूर्य के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले इस मिशन की शुरुआत साल 2006 में हुई थी, जब भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान और एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के एक समूह ने इसरो के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें सैटेलाइट को सूर्य से निकलने वाली चीजों से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। इस मिशन के जरिए सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर उपग्रह भेजे जाएंगे। उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित L1 बिंदु यानी लैग्रेंजियन बिंदु पर भेजा जाएगा। बता दें कि लैग्रेंजियन बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य दोनों खगोलीय पिंडों का चुंबकीय बल एक समान रूप से लगता है। ऐसे में इस बिंदु पर आदित्य L1 के जरिए यहाँ भेजे गए उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिलता रहेगा, जिसकी वजह से ये उपग्रह यहाँ बड़ी आसानी से टिका रहेगा और सूर्य से संबंधित जानकारियां जुटा सकेगा। इसे आप इस तरह से समझिए कि ये बिंदु अंतरिक्ष में एक पार्किंग स्पॉट की तरह है, जहां से उपग्रह बहुत कम ईंधन का इस्तेमाल करके सूर्य का अवलोकन कर सकता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच उस बिंदु से सौर्य सतह का साफ दृश्य मिल पाता है। खैर, धरती से सूरज के बीच की दूरी करीब 150 मिलियन किलोमीटर है, तो वहीं लैग्रेंजियन पॉइंट 1 से धरती की दूरी करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर है। यानी आदित्य L1 पृथ्वी से सूर्य की दूरी के 1% के करीब तय करेगा। आदित्य L1 सूर्य में होने वाली विस्फोटक प्रक्रियाएं, जो कि पृथ्वी के नजदीकी स्पेस एरिया में दिक्कत पैदा कर सकती है, ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में पता करेगा। बहुत से स्पेसक्राफ्ट संचार उपग्रहों को इससे नुकसान हो सकता है। सूर्य की ऐसी प्रक्रियाओं का पता अगर समय से चल जाए तो हम बचाव के कदम उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, तमाम स्पेस मिशनों को चलाने के लिए स्पेस के मौसम को समझना जरूरी है। इस मिशन से स्पेस के मौसम को भी समझने में मदद मिल सकती है। दरअसल सोलर मिशन पर यह थ्योरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई है। BHU के फिजिक्स डिपार्टमेंट के खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर कुंवर अलकेंद्र प्रताप सिंह इसरो की साइंस डेफिनेशन टीम का हिस्सा है। चंद्रयान 3 की सफलता से वे काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अब सौर मिशन की सफलता की राह खुली है। लगे हाथ इसरो के बारे में भी जान लेते हैं कुछ जरूरी बातें। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसकी स्थापना साल 1969 में की गई थी। इसका प्रमुख काम भारत के इस्तेमाल के लिए खास उपग्रहों का निर्माण करना और उपकरणों के विकास में मदद प्रदान करना है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दशक के दौरान हुई थी। अब चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किसे कहा जाता है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।